जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा व्यवसाय सरकार ने इनडायरेक्ट रूप से बंद कर दिया है। उनका कहना है कि हम गाड़ी में सेटअप नहीं बांध सकते, उसको गाड़ी को परमिट को निरस्त कर दिया जाएगा, सेटअप को राजस्व कर लिया जाएगा। कहने का मतलब हमारे सेटअप को सरकारी खजाना के रूप में वो लोग रख लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसके लिए आप सभी से, हम सब साउंड यूनियन छत्तीसगढ़ परिवार, आप सभी से आर्थिक मदद की उम्मीद करते हैं। यह वीडियो खास उनके लिए है जो कि ग्रुप में कमेंट करते हैं या किसी को फोन करने से कमेंट करते हैं कि भैया हम पहले भी पैसा दिए थे, क्या हुआ। उन लोगों को मेरा जवाब यही है कि 2016-17 में आपको अगर याद होगा, जो उस समय से साउंड के लाइन में हम में से उपस्थित हरेक आदमी ने पैसा दिया था, आज वही लोग फिर से हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़े हुए हैं। तो 2017 और 16 की आपको बात बता दें कि जब आपने पैसा दिया था तो जो भी वकील हमने किया था या हमारे बड़े भाइयों ने किया था, उस समय तो हम नहीं थे कि आपके सामने थे, तो जिन्होंने भी किया हमसे पहले, उस 16-17 की वकील के बदौलत, उनके लड़े गए मुकदमों के बदौलत, हमने कोरोना तक बेझिझक बिना रोक टोक के डीजे बजाया है। ये सभी का गर्व होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले दिए थे क्या हुआ। आज भी इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आज जो आप पैसा देने वाले हो ये परमानेंट नहीं है। आपको साल, दो साल, तीन साल के लिए अगर इजाजत मिलती है बिना रोक टोक का काम करने का, तो मेरे हिसाब से जो भी आप आर्थिक मदद के रूप में देते हो, 2-4, 5,000, 10,000 रूपये, वो कुछ भी नहीं है।